टुडे आज मैं वाइट टी शर्ट को कैसे रेड कलर यानी कोई भी कलर में चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली मैं आप लोग को ये सिखाने वाला हूँ टी शर्ट को कैसे चेंज करते हैं। सो एक फ़ोटो लिया हुआ है, सो उसका मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो बैकग्राउंड जैसा हम लोग को टी शर्ट कटअप करना पड़ता है। सो एक्चुअली कटअप करने से पहले फर्स्ट में आप लोग इसका साइज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के बाद जो कटअप रहता है वो क्वालिटी रहता है। सो मैं एक्चुअली इसको कटअप करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ेगा आपको कैसे कटअप करना है। जो ये टी शर्ट कटअप करने का टाइम पे बहुत ही वो टाइम लगता है, सो आप लोग टेक टाइम बट सेलेक्शन अच्छा से। पर देख लीजिए, सो मैं कॉपी ले रहा हूँ कंट्रोल जे देन हाइड बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड। उसके बाद हम लोग को जो लेयर लिए है उस पर कटअप करना है। अगर कुछ हो गया भी डिलीट कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव कटअप दिस वाइट टी शर्ट, सो यूज पेन टूल देन सेलेक्ट एवरीथिंग जस्ट लाइक आपको जैसे कटअप करना है। मैं कटअप पे वीडियो डाल चुका हूँ, सो ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग। ऐसा करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा और बीच में जो ब्लैक कलर का और बैग दिख रहा है उसको भी कटअप करना पड़ेगा, और जो नीचे टी जैकेट है उसको भी थोड़ा अलग ही लेके आना पड़ेगा। तो हम लोग को सिर्फ चाहिए जो व्हाइट टी शर्ट है उसको चाहिए, सिर्फ सिलेक्शन उसको ही चाहिए। सो एक्चुअली कंट्रोल जे करके मैं इसको बैक ले रहा हूँ। मैं पेन टूल यूज़ नहीं करूँगा। मैं दिखा रहा हूँ कैसे ऐसा करने से सिलेक्शन ठीक से नहीं होता है। अभी मैं पेन टूल का यूज करने वाला हूँ, आप लोग देख लीजिए। पेन टूल से इजी रहता है एक्चुअली। आप लोग को पेन टूल में भी बहुत सारा ऑप्शन रहता है, 3-4 टूल है उसमें भी कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सजेस्ट करूंगा कि पेन टूल थोड़ा अच्छा रहेगा। हाइड द बैकग्राउंड लेयर देन वी वर्क फर्स्ट लेयर। सो अभी पिक्चर देख लीजिए, पिक्चर का क्वालिटी कैसा हो रहा है। अभी फर्स्ट में जो पिक्चर था उसका भी क्वालिटी थोड़ा सा नॉर्मल ही था, इसका हाई क्वालिटी हो गया। 300 पिक्सल एक्चुअली वो हाई क्वालिटी रहता है, बहुत भी एक्चुअली सिलेक्शन हो रहा है। देखिए मैं सिलेक्शन को फास्ट किया हुआ है। एक्चुअली मेरे को सिलेक्शन करने के लिए 15 मिनट्स लगा था, आप लोग थोड़ा टाइम ले लीजिए। बट अगर वीडियो कम्प्लीटली नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे करना है। एक्चुअली आप लोग को कुछ भी चीज़ करने का टाइम पे वो समझना है, फर्स्ट ऑफ ऑल समझना है उसको कैसे करना है क्या करना है, तब आइडिया आता है। अगर आप लोग जैसे मैं भी ऐसा ही करता था पहले, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया तो मैं इंटरनेट पे जाता था, हाईली क्वालिफाई है वो पिक्चर क्या है ऐसा, तो मैं सिर्फ देख के ऐसे ही छोड़ देता था, आधा देखता था छोड़ता था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्चुअली वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। सो ये सिलेक्शन हो रहा है, एक्चुअली सिलेक्शन हो रहा है। उसके बाद कंट्रोल इंटर प्रेस करना पड़ेगा जिससे सिलेक्शन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और जिधर देखिए ब्लैक थोड़ा सा बचा हुआ है इधर, और उसको ब्लैक को भी एक्चुअली सिलेक्शन कर लेना, क्योंकि हम लोग को बैकग्राउंड कलर चेंज मतलब टी शर्ट का चेंज कलर चेंज करने का टाइम पे ब्लैक थोड़ा दिखेगा तो अच्छा नहीं लगता है। सो इसको भी हम लोग कटअप कर लेते हैं। सो कंट्रोल इंटरप्रेस करते हैं, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए सिलेक्शन हो गया है। सो अभी हम लोग इसको मास्किंग करेंगे, मतलब दिखाता हूँ आपको। दो तरह का मास्किंग होता है, एक लेयर पे ही कर सकते हैं। देखिए अभी लेयर पे कर रहा हूँ तो लेयर का अंदर ही आ गया। सो ये लेयर का अंदर करने का फायदा एक फ़ायदा भी है जो हम लोग कटअप को देख सकते हैं और इसको ग्रुप में भी डाल सकते हैं। बट अगर हम लोग ऐसा कटअप करेंगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसा
एक दूसरा तरीका भी है, मैं दूसरा तरीका करके दिखाता हूँ, दूसरा तरीका मैं दिखाऊंगा आपको। इसमें बहुत सारा लेयर रहेगा, सो ये लेयर में ज़्यादा लेयर रहेगा तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं जो किसको किधर करना है। एक्चुअली फर्स्ट मैं अभी दूसरा आइडिया दिखाता हूँ आपको, सो उसके बाद देखते हैं। इसके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेयर को डिलीट कर देता हूँ। सो उसके बाद उसी लेयर पे जाके हम लोग को फर्स्ट लेयर पे जाके कटअप हुआ है, सो उस लेयर पे जाके मार्किंग पे जाके सॉलिड एडजस्टमेंट कलर लेना है, बस सॉलिड एडजस्टमेंट कलर लेना है। आपको कोई भी कलर पसंद हो उसके बाद चूज कर सकते हैं, एनी कलर, वॉट एवर यू वांट जस्ट चूज इट, बट ब्राइट कलर, ब्राइट कलर। इफ़ यू चूज डार्क कलर देन when we adjust cup there have so many problems, so हम लोग को ब्राइट कलर ही चूज करना है। सो मैं रेड ब्राइट चूज कर रहा हूँ, एक्चुअली रेड वो भी है, जैकेट भी है, सो मैचिंग कलर कर रहा हूँ। सो मैं सोच रहा था ब्लैक डालने के लिए, एक्चुअली डार्क कलर में थोड़ा सा क्या रहता है, थोड़ा डार्क थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है। सो उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रेड ले लिया, थोड़ा मैं और थोड़ा सा ब्राइट डार्क ले रहा हूँ, ब्राइट डार्क राइट साइड पे ब्राइट डार्क रहता है, सो डाउन साइड पे ब्लैक रहता है, ब्लैक डार्क बोलते हैं। सो उसके बाद हम लोग को थोड़ा देखना है किधर किधर छूट गया, थोड़ा सा देखिए इधर ये हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा देखिए इधर कलर चेंज, ऑपेसिटी कम करने का टाइम पे दिख रहा है, वाइट वाइट जिधर दिख रहा है, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। जस्ट अभी हम लोग को में फोकस देना है। सो ये बाहर हम लोग वो पेन टूल यूज करके या फिर कुछ पेंट टूल यूज करके उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा पेंट कर देंगे, एडजस्ट हो जाएगा ब्राइट एडजस्ट करने से। अभी देख लीजिए हम लोग ब्राइट इसका थोड़ा कम कर लिया है, सो देख लीजिए इधर तो वाइट दिख ही रहा है, सो नो प्रॉब्लम। सिर्फ अभी फोकस दे दीजिए, आपको एडजस्ट करना है कौन सा लेयर पे रखने से अच्छा रहेगा, देख लीजिए मोड पे देख लीजिए, एक्चुअली मोड ऑन करके मोड में देख लीजिए, डार्क सॉलिड एडजस्टमेंट वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट डार्क एंड वाइट, देखिए ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, देखिए अभी थोड़ा ये अच्छा लग रहा है। सो मैं इसका ओपासिटी बढ़ा देता हूँ, 100% कर लेता हूँ, कोई भी चीज़ का ओपासिटी 100 रहेगा तो दिखने में लाइट दिखता है। सो एक्चुअली देखिए अभी ओपासिटी थोड़ा सा और कम था, थोड़ा सा बढ़ा दिया है, मैं 98 था तो 100 कर दिया है। सो अभी कप्स ओपन करते हैं हम लोग, मेरा कॉप्स आगे ही है, आप जाके इधर एडजस्टमेंट में जाके आप कॉप्स को सर्च कर सकते हैं या फिर विंडो में जाके कॉप्स निकाल सकते हैं। सो अभी कॉप्स को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी थोड़ा सा और भी डार्क दिख रहा है, लाइट डालना पड़ेगा इसमें टी शर्ट। एक्चुअली आप लोग, मैं सोच रहा हूँ ये पूरा बैकग्राउंड ही बैकग्राउंड का भी कलर भी चेंज करना है, सो मैं कॉप्स के साथ ही एक लेयर ले रहा हूँ। उसके बाद अब ब्राइटनेस बढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाने से क्योंकि फोकस आ जाता है, सो डार्क होने से थोड़ा अच्छा भी दिखता है। सो अभी देख लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हैंड में भी वाइट है, इधर भी वाइट है, सो आप लोग नो प्रॉब्लम पेन टूल यूज कर लेते हैं, चूज रेड कलर सॉलिड कलर में से चूज करना है आपको। उसके बाद पेन टूल यूज करके थोड़ा सा लेयर पे सिलेक्शन करना है, एक्चुअली लेयर भी वो भी ध्यान रखना है वरना गलत हो जाता है। सो देखिए ब्रश का साइज भी बड़ा है, एक्चुअली आप लोग को जितना साइज चाहिए एडजस्ट करके ले सकते हैं, जितना बेनिफिट चाहिए ले सकते हैं। सो मैं ब्रश घटा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा सिलेक्शन करना है, ईजी टू बाहर आया कुछ प्रॉब्लम नहीं, अंदर नहीं जाना है उतना ही है, टर्न्ड को इनर हुआ है। सो आप लोग देख सकते हैं क्योंकि देखिए बाल भी बचा हुआ है, सो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा मेक मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा ही नहीं दिखिए बोल के ऐसा कर लेते हैं। मैं दूसरा वो भी बताता हूँ, एक सिलेक्शन रहता है, वो सिलेक्शन को बोलते हैं
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को सिलेक्शन पेंट टूल कोई भी यूज करके सिलेक्शन करना है, उसके बाद उसका ऊपर पेंट करना है। हम लोग जिधर पेंट करेंगे उसका अंदर ही पेंट होगा। तो कप्स में फिर एडजस्ट कर रहा हूँ, कप्स लेयर में डबल क्लिक करने से ओपन हो जाता है। थोड़ा सा ब्राइट बढ़ा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ब्राइट बढ़ा रहा हूँ। उसके बाद आप देख लीजिए कैसा दिख रहा है अभी पिक्चर, पहले से परफेक्ट दिख रहा है। सो हम लोग वो भी कर सकते हैं, ब्राइट भी बढ़ा सकते हैं ब्राइट में डबल क्लिक करके। सो मैं इन लोग को ग्रुप कर रहा हूँ। सो ग्रुप करने के बाद क्या रहता है, हम लोग जब भी चाहे ओपन कर सकते हैं। देखिए ओपन करके एडजस्ट कर सकते हैं अभी। सो हम लोग कोई भी एक मैजिक सिलेक्शन टूल यूज करके, देखिए यही ये बता रहा था मैं, मैजिक सिलेक्शन यूज कर लीजिए और आपको इसमें पेंट करना है। एक्चुअली देखिए सिलेक्शन आउटसाइड जा रहा है, सो एक बार फिर से सिलेक्शन कर लें। टेक अ टाइम, थोड़ा सा इजीली, हाँ ये देखिए थोड़ा सिलेक्शन हो गया है। अब फिर से ब्रश टूल यूज करते हैं, रेड लेके सेम कलर को सेम ब्रश करते हैं। तो ऐसा होगा तो बाहर आउटसाइड पे नहीं जाएगा, जितना एरिया सर्कल एरिया पे बचा हुआ है उतना ही होगा। अगर आपको आउटसाइड करना है तो लेयर पे जाके अभी थोड़ा सा वाइट तो दिख ही रहा है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ब्राइट हम लोग कर्व्स एडजस्ट कर लेंगे। देन उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, फिर से मैजिक टूल यूज कर रहा हूँ, मैजिक सिलेक्शन। देखिए ये जो सिलेक्शन दिखा रहा है ये थोड़ा सा सिलेक्शन होने के बाद, देखिए अभी मैं बताता हूँ आउटसाइड कैसे करना है। हम लोग तो अंदर साइड पे कर लिया, देखिए अभी ये सिलेक्शन हो गया है। सो हम लोग को लेयर जाना है, लेयर के बाद वहाँ पे ऑप्शन रहता है, लेयर नहीं उसमें जा, मेरे को भी पता नहीं रहता है कभी, मैं भी कन्फ्यूज वीडियो बनाने का टाइम पे थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता हूँ। सो थोड़ा सा उसमें चूज करके इन सो पेन टूल यूज करेंगे। अभी देखिए अभी आउटसाइड में देख लीजिए, सिर्फ जितना सिलेक्शन हुआ है सिलेक्शन का आउटसाइड पे ही ये पेंट हो रहा है, एक्चुअली अंदर नहीं हो रहा है। फर्स्ट में इधर हम लोगों ने अंदर किया था, अभी आउटसाइड में हो रहा है। ऐसा हुआ तो क्या होता है, हम लोग को जितना वो पेंट करना है उतना पेंट कर सकते हैं। सो देख लीजिए अभी, सो इसमें भी वैसा ही कर सकते हैं, आप लोग को जैसा कौन सा इजी वे लगता है देख लीजिए। सिलेक्शन तो बहुत बाहर तक जा रहा है और देखिए लीव्स में भी थोड़ा सा सिलेक्शन हो गया है। सो अभी बस उसके बाद मैं इसमें सिलेक्शन कर रहा हूँ, फिर सिलेक्शन करने के बाद फिर मैं पेन टूल यूज कर रहा हूँ, पेन टूल बोल रहा हूँ, पेंट टूल। सो उसके बाद तो ये अंदर हो रहा था तो फिर से वही बटन पे था। एक्चुअली ये आउटसाइड इनसाइड बोल के नहीं रहता, फर्स्ट में उसी में जाके इंचेस में जाके क्लिक करना है फर्स्ट, देन उसके बाद क्लिक करते ही रहना है, उसमें सिर्फ ड्रैग कर देना है थोड़ा सा। देन एक्चुअली हम लोग का कंप्लीट तो हो गया है। एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा इसमें ब्राइटनेस थोड़ा सा डालेंगे तो थोड़ा और भी अच्छा लगता है पिक्चर देखने में। सो यह थोड़ा सा अच्छे से सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। कुछ वाइट दिख रहा है, सो वाइट में से हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, अभी कप्स में जाके एडजस्ट कर सकते हैं। आप लोग इसका टेंशन नहीं लेना है, डोंट माइंड, जस्ट डू इट देन एडजस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट डू इट देन देखा जाएगा, मतलब एक कहावत है, पहले करना है उसके बाद देखना है, देख के करना नहीं है एक्चुअली करके देखना है। सो देख लीजिए अभी कप्स में जा रहा हूँ मैं, कप्स में डबल क्लिक करने से ओपन हो जाता है फिर से, डबल क्लिक। देखिए अभी थोड़ा सा ब्राइट बढ़ाना पड़ेगा, देखिए थोड़ा सा ब्राइट बढ़ा दिया तो क्या रहता है, टी शर्ट में देखिए जो ब्राइटनेस है ना वो थोड़ा सा बढ़ भी जाता है और थोड़ा जो वाइट एरिया है वो थोड़ा डार्क होते ही जाता है, थोड़ा सा अगर ब्राइट कर दिया थोड़ा डार्क होता है। तो देखिए ये थोड़ा सा बहुत ही वो
अंडू जैसा दिख रहा है, अंडू मतलब थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। सो अभी थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेते, थोड़ा कोई भी कोई किसी भी चीज़ में ब्राइट डालोगे तो आप बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली आप लोग, या फिर बैकग्राउंड हो या किसी भी चीज़ में पोस्टर बैनर किसी भी चीज़ में ऐसा डाल सकते हैं। एक्चुअली मैं इसमें एक थंबनेल बनाया है, उसमें देखना थोड़ा सा ब्राइट कितना है, मैं ब्राइट डाला हुआ है सो उसमें देख लीजिएगा। सो थैंक यू, इतना ही है वीडियो। ब्रो डू यू नो आई एम इन नेपाल, सो ये वीडियो मैं नेपाल में ही बना रहा हूँ, सो ये फर्स्ट वीडियो है नेपाल में।